हेलो स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले दोपहर के अंदर मैंने वीवो के Y17 का अनबॉक्सिंग डाला और काफी सारे लोग नाराज हो गए, भाई इतने घटिया कचरे फोन का अनबॉक्सिंग क्यों किया। वैसे वीडियो में भी मैंने बताया आप लोगों के फोन इतना खास नहीं था, लेकिन अब मैं एक ऐसा यूट्यूबर भाई कि जो आता है मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूं। अब मैं जबरदस्ती की पब्लिसिटी या छिछोड़ीगिरी नहीं करता हूं, फोन रखूंगा फेंक दूंगा कचरे में डाल दूंगा यार बकवास फोन है ये, ऐसा काम नहीं करता हूं। आपको हमें पता तो चले कि मार्केट में ऐसे फोन भी आए कि इसमें ये चीजें, और ऑब्वियसली वीडियो में अनबायस तरीके से आपको उसका ओपिनियन तो दिया ही था, तो मैं कुछ इस तरीके का काम करता हूं। फिर अगर नहीं करते तो लोग बोलते हैं क्या यार रियलमी के फोन रेडमी के फोन की अनबॉक्सिंग करता है, पैसे खाया क्या, तो ये सब बातें हो जाती है, तो समझना पड़ता है लोगों को और कुछ नहीं। एनीवेज दोस्तों, मैं यहां पे एक सरप्राइज गिव अवे रखने वाला हूं कल, जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की ईयरफोन से, तो सुबह में वीडियो मिल जाएगी। आज ही बहुत ही गर्मा गर्म वीडियो लेके आ गया हूं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर ट्विटर से, और अगर आप ज्यादा ही ट्विटर यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप किसी के ट्वीट को रीट्वीट करते तो वहां पर उसके बाद आपको सिर्फ एक कमेंट करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि ट्विटर ने ये जो बैरियर था इसको हटा दिया है, और अब भी जब भी आप किसी के ट्वीट को रीट्वीट करते तो आप कमेंट के साथ-साथ जिफ फोटोज और वीडियोस भी अब वहां पर जो वो ऐड कर सकते हैं। जी हां, तो ये iOS एंड्रॉइड डेस्कटॉप वगैरह सब जगह पर ये अपडेट आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीट्वीट करते हैं तो सिर्फ कमेंट के द्वारा ही नहीं, उसके अलावा भी आप पिक्चर्स वीडियोस जिफ वगैरह भी ऐड करके उसको रीट्वीट कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर आज फाइनली HMD ने अपने नोकिया के 4.2 को जो वो लॉन्च कर दिया है, जो काफी टाइम से ट्वीट्स आ रही थी वो आज यहां पर ऑफिशियल हो चुका है। और यहां पर नोकिया 4.2 मैंने वैसे इसका हैंड्स ऑन अपने MWC में गया था तो वहां पर किया था, ये आपको एंड्रॉइड 1 के साथ में मिलता है। प्राइस रखी है 11,000 रुपए यानी कि 10,990, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ में। उसके अलावा आपको 5.7 इंच की HD+ की डॉट नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है, जहां पर ये TFT वाली डिस्प्ले है। जी हां, 13+2 का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 3000mAh की बैटरी है और स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर है। मुझे लगा कि भाई ये 7,000 से 8,000 के बीच में आएगा, लेकिन नहीं भाई 11,000 रुपए है, तो इससे अच्छा 1,000 सेव करके हम 9,000-10,000 के अंदर रेडमी नोट 7 क्यों ना ले ले, जो किंग है इस प्राइस के अंदर। क्या हिसाब से ये लोग फोन लेके आते, तो क्या हम अभी एंड्रॉइड 1 समझ के इसको जेब में लेके घूमे या नोकिया ब्रांडिंग या आफ्टर सेल सर्विस को लेके जेब में लेके घूमे, क्या करें हम, वैल्यू फॉर मनी देखेंगे कि ब्रांड को देखेंगे या क्या देखेंगे, आपका क्या ख्याल है वैसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, और OnePlus 7 Pro हमने बहुत बात कर ली, कंपनी ने भी बहुत ज्यादा इसकी पब्लिसिटी कर दी है, लेकिन यहां पर दोस्तों अभी इंडिया की एक ऑनलाइन स्टोर पर OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro दोनों यहां पर लिस्ट होकर आ चुके हैं। अब इसकी ऑथेंटिसिटी कुछ मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर देख के तो मुझे ऐसा लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। अब बात करते हैं OnePlus 7 से, तो आप देखेंगे यहां पर इसकी जो प्राइस बताई जा रही है बेस वेरिएंट की 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाली की, वो है 38,990। याद रखना OnePlus 60 का जो बेस वेरिएंट था वो कुछ 37,999 का था, मतलब 38,000 का, तो ये कुछ उससे 1,000 रुपए ज्यादा, वो भी 6128 में आपको मिलता था। उसके अलावा यहां पर देखेंगे 6.2 इंच की आपको एक वाटरप्रूफ नॉच वाली फुल HD+ की डिस्प्ले मिल रही है, 48+5 का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिल रही है। उसके अलावा यहां पर मेमोरी कार्ड का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड्रॉइड 9 पावर ऑफ द बॉक्स है, 4150mAh की बैटरी मिल रही है फास्ट चार्जिंग के साथ में, और स्नैपड्रैगन 855 वाला आपको प्रोसेसर मिल रहा है। तो ये लीक हुआ स्पेक्स OnePlus 7 की, एक वेरिएंट यहां पर दिखाई जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है ये सही होगा गलत होगा, आप मुझे वैसे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा OnePlus 7 Pro भी यहां पर जो वो लीक हो गया है, आप देखेंगे जो बेस वेरिएंट है 8128 उसकी प्राइस यहां पर 45,990 बता रही है, और उसका जो एक और हायर वेरिएंट आएगा 10GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में, वो 51,990 यहां पर बताया जा रहा है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे वही सारी चीजें यहां पर लीक हुई, ट्रिपल कैमरा है, पॉप आउट सेल्फी है, ये है QHD+ की डिस्प्ले वगैरह वगैरह सब कुछ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। वैसे क्या ख्याल है इनके बारे में आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों ओप्पो की तरफ से वैसे काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और जैसे ही मैंने ये खबर देखा मेरा दिल एकदम से खुश हो गया। और वैसे मैंने पहले भी आपको अपने Q&A में बताया था कि शायद से ओप्पो का ये पहला कोई फोन होगा जो हीलियो P90 के साथ में आने वाला, जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अब यहां पर दोस्तों ओप्पो का एक अननोन फोन जो रेनो सीरीज टाइप लग रहा है, पहले यहां पर जो वो टेना सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ था कुछ अलते भलते मॉडल नंबर के साथ में, लेकिन अब यहां पर यही सेम फोन रिसेंटली यहां पर ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर भी लिस्ट हुआ है, जहां पर मॉडल नंबर जो बताया जा रहा है वो है CPH1979 और एक और मॉडल नंबर है CPH1983 जिसमें स्नैपड्रैगन 710 है। लेकिन 1979 की जो स्पेक्स निकल कर आई है ब्लूटूथ SIG पर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। 6.41 इंच की आपको एक AMOLED वाली डिस्प्ले मिल रही है, 48+5 का डुअल रियर फेसिंग कैमरा है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और साथ में 4035mAh की आपको बैटरी मिल रही है। उसके अलावा MT6779V वाला प्रोसेसर दिखाया जा रहा है मीडियाटेक का, जो कि हीलियो P90 है। ये देख के मेरा दिल खुश हो गया कि क्या पता एक हीलियो P90 एडिशन वाला भी ओप्पो का रेनो हमें जो वो देखने को मिल सकता है, और क्या पता यही फोन हमें
इंडिया में भी जो वो देखने को मिल जाए। अभी ब्लूटूथ SIG टेना पर ये अलग अलग मॉडल नंबर के साथ में आया है, वैसे देख के तो काफी एक्यूरेट लग रहा है। आपको क्या लग रहा है वैसे आप मुझे इसके बारे में जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, Redmi की तरफ से यहां पर खबर आ रही है, काफी लीक्स और रूमर्स घूम रहे हैं कि Redmi का ये फोन कभी आएगा, क्या नाम से होगा। पहले Redmi X था, फिर बाद में लीक्स आई थी K20, P20, X20 Pro वगैरह। मैंने आपको बताया था कि शायद से ये फोटोशॉप हो सकता है, लेकिन अब यहां पर Redmi मतलब Xiaomi के यहां पर स्मार्ट हार्डवेयर डिवीजन के जो जनरल मैनेजर है उन्होंने यहां पर ऐसा Vivo पर पोस्ट करके बताया कि 13 मई को Redmi अपना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च करने वाला है या कर सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब वो एक्चुअली में Xiaomi वाले हैं तो उन्होंने अंदर से हमें खबर दी, तो हो सकता है कि 13 तारीख को ही हमें Redmi का फ्लैगशिप फोन देखने को मिल जाए। अभी जो पहले पोस्टर आया था 14 मई का वो हमें नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन उन्होंने एक और चीज बताई है कि एक और इंटरेस्टिंग चीज वो लोग साथ में जो वो लॉन्च कर सकते हैं, या फिर वो ऐसा बोल रहे हैं कि स्मार्ट थिंग या स्मार्ट IoT से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ वहां पर आ सकता है। क्या होने वाला है दोस्तों, मैं तो चाइना जाऊंगा, वैसे वहां पर अगर दोनों फोन भी हो जाते तो मिला के कंपैरिजन भी कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। देखते हैं दोस्तों, आएगा जरूर से आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों एंटीडू ने फाइनली हमसे जो अप्रैल के महीने की जो वो लिस्ट जो वो शेयर कर दी है, मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कौन से स्मार्टफोन ने सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर अचीव किया है उनके इस बेंचमार्क के अंदर। और यहां पर आप देखेंगे लिस्ट, इसमें काफी सरप्राइजिंग बात है कि टॉप 3 जो पोजीशन है वो Xiaomi के ही फोन्स की है। पहला Mi 9 का एक्सप्लोरर एडिशन, सेकंड Mi 9 और तीसरा ब्लैक शार्क 2। वैसे इनमें सब में आपको स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर मिल रहा है, और ये जो पूरी टॉप 10 की जो लिस्ट ना, मेजोरिटी ऑफ द फोन्स इनमें स्नैपड्रैगन 855 के साथ आते हैं। 373,000 का हाईएस्ट स्कोर यहां पर देखा जा रहा है। उसके अलावा Meizu 16S है, Vivo iQOO है, Samsung के S10 के फोन्स अगर आप देखते हैं तो 6th और 7th नंबर पर आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे एंड में Honor का V20 भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें ना Red Magic 3 है जो भी गेमिंग फोन आया है, उसके अलावा Lenovo का Z6 Pro भी नहीं है, ना Huawei का P30 Pro है। वैसे ये लिस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर Realme X की। जी हां, अब यहां पर Realme X की जो ऑफिशियल लॉन्च डेट थी वो कंफर्म हो गई थी कल ही। मैंने आपको बता दिया था कि 15 मई को Realme X जो वो लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर, उसके बाद कुछ टाइम में हमें इंडिया में भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी यहां पर Realme के CMO ने Vivo पर 2 पिक्चर्स को पोस्ट करे, और उनमें आप देखेंगे जो पहला पिक्चर है वो Realme X का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये कोई लीक्स नहीं, ये ऑफिशियली यहां पर Realme के CMO ने जो वो पोस्ट किया, आप देखेंगे बहुत मिलता जुलता है ना Realme 3, Realme U1, Realme 3 Pro से कुछ वैसी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और पिक्चर उन्होंने पोस्ट करी, आप देखेंगे ये आपको Realme X दिखाई दे रहा है, मस्त एकदम फुल फोन है विदाउट एनी नॉच, जो कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर Realme ने खुद भी अपने Vivo के ऊपर पोस्ट करके बताया कि Realme का ये जो फोन आएगा X, इसमें 91.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी, जो काफी इंप्रेसिव है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो एलिवेटिंग कैमरा उसमें आपको मिलेगा, पॉप आउट कैमरा जो मिलेगा, उसकी जो लाइफ है वो 2 लाख के से भी ज्यादा है। मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि 2 लाख बार भी आएगा आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत सारे लीक्स यहां पर निकल कर आई है, बहुत सारी बातें हमें पता चल रही है इससे रिगार्डिंग। देखते हैं प्राइस क्या होती है और क्या कुछ होगा खास, मैं आपको जरूर से इसके बारे में 15 तारीख को ही बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं तो मैं आप लोगों को एक फन बात बताता हूं, और इसकी वजह से ना कल से ट्विटर के ऊपर हर जगह पर ना स्टारबक्स जो वो ट्रेंड कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स से स्टारबक्स का यहां पर क्या लेना देना, क्योंकि क्या हो गया दोस्तों कि यहां पर जो इनके एक सीजन 8 का जो एपिसोड 4 है द लास्ट ऑफ द स्टार्क्स, उसके अंदर यहां पर इनके एक सीन के अंदर स्टारबक्स का यहां पर ग्लास देखा गया। जी हां, कॉफी वाला ग्लास वहां पर पड़ा हुआ था, जो कप होता है ना वो, और वहां पर वो देखने के बाद हल्ला मच गया कि भाई 21st सेंचुरी का स्टारबक्स का ग्लास वहां पर क्या कर रहा है, जबकि ये मूवी इतनी पुरानी है। और HBO ने एक्चुअली में इसको एक्सेप्ट किया कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, वो सीन में हमने ध्यान से नहीं देखा, और वहां पर वो सीन में आप देखेंगे आपको वहां पर एक कप दिखाई दे रहा स्टारबक्स का। एक्चुअली में चीज काफी वायरल हो गई थी, और मैं क्या बताऊं, उन्होंने बताया कि जो एक्ट्रेस थी उनको कॉफी पीना था और हमने वो ऑर्डर दे दिया और वहीं पर रह गया और वो सीन में रह गया। तो काफी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी ये सीरीज है जिसके अंदर ऐसी चीजें मिस्टेक्स हो जाती है, जो कल से ट्रेंड करो स्टारबक्स की तो निकल पड़ी सिर्फ इसकी वजह से। क्या आपको बताया कि ट्विटर के ऊपर सबसे पहला जो ट्वीट किया गया था वो ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी की तरफ से किया गया था, और उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ में खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई, अगर आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ बताऊंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, टिल नेक्स्ट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।